हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं आपका भाई कमलेश, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो है आप सबके लिए जो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आपका भाई हर बार वेस्ट में से बेस्ट बनाने की हर बार कोशिश करता रहता है। ऐसे ही एक वीडियो लेके आया आपका भाई वेस्ट में से बेस्ट बनाने की। जब ये हमारा पेंट स्प्रे है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा पेंट स्प्रे है जो बिल्कुल खराब हो गया, लेकिन हम इसको रियूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, 100% रियूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे रियूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि हम कैसे इसका रियूज करने वाले, रियूज करने के लिए हम इसको इसके साथ क्या क्या छेड़छाड़ करनी पड़ेगी वो सब आपको बताने वाला, कैसे इसका यूज करने वाले हैं आज की मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ऐसे लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे नए हैं मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो भी आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों स्प्रे पेंट बनाने के लिए, स्प्रे पेंट बोतल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खाली पेंट का डब्बा, और उसको ऐसा एक होल बना लेना है, आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है। उसके बाद चाहिए हमें एक बाइक का ट्यूब का वाइल दोस्तों, और उसके बाद हमें उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए उसका, और अपने को चाहिए एक एम सील। ये सब चीज़ से हम बन जाएगा हमारा स्प्रे पेंट बोतल दोस्तों। उसके बाद हमें ये पंप भी चाहिएगा, साइकिल में हवा भरने वाला, आप देख सकते हैं ये पेंट, ये पंप भी हम अपने को चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो ये हमारा वाल है इसको पहले हमें कट कर लेना है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसे साइज में हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ से इसका जो रबर लगा रहता है उसको हटा देना है अपने को, और इसको इस चाबी की मदद से खोल लेना है इधर से, आप देख सकते हैं मैं आपके सामने खोल ले रहा हूँ, अभी थोड़ा दबा के खोलना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा दबा के खोलना पड़ेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो वाल है वो बाहर आ गया, आप देख पा रहे होंगे। इसको ऐसे खोल लेना है दोस्तों अपने को, और उसके बाद हमारा जो एम सील है उसको हमें अच्छे से मिला लेना है। इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ आपके सामने, इसको तोड़ लेना है। इतना सा निकाल लेना है दोस्तों, और इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। मैं आपके सामने मिलाने की कोशिश करूंगा पूरा, तो दोस्तों अभी हमारा एम सील चिपकने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम इसको यहाँ वाल अपना डाल के इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर रखेंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर ही इसको चिपका लेते हैं आराम से, तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमें इसको चिपका लेना है। आप कोशिश करें कि ये वाल जो है वो थोड़ा ऊपर तक, ऊपर की तरफ उठा रहे, लेकिन मेरा भी हॉल इस टाइप का है तो मेरा वाल सीधा रहता है। वो सीधा टेढ़ा क्यों रखना है दोस्तों, कि जब हम इसमें अपना जो कलर है वो ऐड करेंगे तो वो सीधा चला जाएगा, कहीं आड़ी तेढ़ी जगह पर वो गिरेगा नहीं दोस्तों, इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी दोस्तों हम इसको एक घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं। अभी हम इसको सूखने के बाद इसमें अपना जो पेंट है इसको ऐड करेंगे, और बाद में हम इसको पंप की मदद से हवा मारेंगे, और उसको मैं चला के दिखाऊंगा दोस्तों कि बड़ी आराम से जो हमारा स्प्रे पेंट है वो फिर से रिफिल की तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब,
वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिए। अभी हम इसको सूखने के लिए छोड़ रहे हैं, बाद में इसका वीडियो का शूटिंग करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अभी हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों 2 घंटे के बाद हमारा जो स्प्रे बॉटल है वो बन के तैयार हो जा रहा है। आप देख ले दोस्तों मैंने कितना एमसील यूज़ किया है। आप भी ज़्यादा ही एमसील यूज़ करिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 75 बार यानी 70 बार तक का इसका अंदर एयर का प्रेशर रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो हमने अगर कम एमसील यूज़ करेंगे तो वो कहीं से उखड़ जाएगा, इसलिए मैंने भी ज़्यादा यूज़ करिए। आप भी ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो वाल है आपको टेढ़ा लगाना है क्योंकि जब हम अंदर अपना जो कलर लगाएंगे तो ये आसानी से अंदर चला जाए, हमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा करना ना पड़े। तो दोस्तों अब हम इसमें कलर डाल के देखते हैं। पहले इसका अंदर इसका वाल जो है उसको खोल लेते हैं फ्रेंड्स। खोलने के बाद इसके अंदर हम कलर और अपना जो केरोसिन रहता है वो मिक्स करेंगे क्योंकि कलर जो है गाढ़ा रहता है दोस्तों, तो गाढ़ा कलर शायद बाहर आने में दिक्कत करेगा, तो थोड़ा हम इसके अंदर पेट्रोल ऐड करेंगे दोस्तों। बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ आपके सामने ही, पूरा छेद बन जाएगा। अभी हम इसमें इंजेक्शन की मदद से कलर और केरोसिन मिक्स कर देंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे इसके अंदर कलर को ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं अंदर ऐड कर रहा हूँ कलर। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें कलर ऐड कर लिया, देखते हैं आप मेरे से इधर भी सारा कुछ गिर गया नीचे, आप देख सकते हैं आवाज आ रहा है आपको अंदर, कलर हो गया। अभी हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग के ऊपर। नहीं दोस्तों, लेकिन पहले इसमें एयर लगा लेते हैं। अभी मैं इसमें हवा भर लेता हूँ दोस्तों। हवा भरने के लिए हम पंप का उपयोग कर ले फ्रेंड्स। अभी हम इसमें एयर लगाएंगे। फ्रेंड्स अभी इसमें हवा हो गई है, अभी हम चलते हैं इसके टेस्टिंग के ऊपर। तो मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स ये कैसे काम कर रहा है अपना जो स्प्रे पेंट है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये कैसे काम कर रहा है हमारा स्प्रे पेंट। प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा स्प्रे पेंट है वो काम कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से हमारा स्प्रे पेंट काम कर रहा है दोस्तों। आप ऐसे ही आप भी अपना स्प्रे पेंट घर पे ही रिफिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।